दोस्तों, आपको तो पता ही है, जब भी मैं अपने किचन में आती हूँ तो कोई ना कोई झटपट रेसिपी जरूर लेके आती हूँ। तो मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरती क्रिएटिव वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टी टाइम केक की झटपट रेसिपी। वैसे तो ये केक मैं बिगनर्स के लिए लाई हूँ, पर बिना बिस्किट के भी इतना झटपट बनने वाला केक आप जैसे एक्सपर्ट भी एक बार जरूर ट्राई करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत इजी एंड झटपट केक। इस झटपट केक में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स नापने के लिए मैं यहाँ इस टाइप के मेजरिंग कप एवं स्पून का यूज कर रही हूँ। मैदा हमें चाहिए 1.5 कप, जिसे मैंने पहले से ही छान लिया है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स नापते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें कप में भरने के बाद हल्का सा टैप करके नाइफ की हेल्प से लेवल कर लेना है। ओवर फिलिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है। 1 कप ही मैंने मलाई ली है, 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप मिल्क एंड 1 कप ही शुगर ली है, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून खाने वाला या मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/4 टीस्पून ही येलो कलर। केक को बेक करने के लिए आप कुकर या कढ़ाई का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ इस टाइप के बर्तन का यूज किया है, इसका बेस लिए मैं यहाँ 1 कप नमक डाल रही हूँ। ये नमक मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर चेंज है। इसे बर्तन में अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर कोई भी स्टैंड या कटोरी रखनी है, जिससे हमारा केक पॉट थोड़ा ऊपर रहे। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करना है। अब हम केक पॉट को ग्रीस कर लेते हैं। केक आसानी से निकले, इसलिए मैं यहाँ बटर पेपर का यूज कर रही हूँ। आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो नॉर्मल A4 साइज पेपर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए पेपर की दोनों साइड पर ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा के उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे। आप देखेंगे कि बटर पेपर की तरह ही ये पेपर भी तैयार हो गया है। अब पॉट के साइज का हम पेपर कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और साइड में लगाने के लिए एक हम स्ट्रिप भी कट कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के लिए मैंने यहाँ घी का यूज किया है, क्योंकि केक हम बिना तेल के सिर्फ मलाई से बना रहे हैं, इसलिए घी का यूज अच्छा रहता है। चलिए अब झटपट से बैटर रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने शुगर ली है। इसको पीसने के लिए टाइम वेस्ट मत करिएगा। इसमें ही हम 1 कप मलाई ऐड करेंगे। वैसे तो सभी इंग्रेडिएंट्स हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है, पर मलाई को बहुत पहले से फ्रिज में से बाहर मत निकालिएगा, वरना हमारी मलाई दूध जैसी पतली हो जाएगी और हमारा बैटर भी पतला हो जाएगा। अब एक विस्कर की हेल्प से हमें इसे फेंटना है। चलिए मैं आपके अंदाजे के लिए एक टाइमर सेट कर देती हूँ, क्योंकि हमें बैटर को ज़्यादा नहीं फेंटना है। आप देखेंगे कि मुझे मलाई और शुगर फेंटने में 1 मिनट से भी कम ओनली 45 सेकेंड का ही टाइम लगेगा। ये केक हम घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं, वो भी बिना तेल, बिना दही, बिना कंडेंस मिल्क और बिना नींबू या विनेगर के। फिर भी इतना टेस्टी केक कि आपके बच्चे क्या, आप भी बार बार खाना चाहेंगे। और अगर इतना झटपट बनेगा तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। एक आइडिया दूं, आप सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक एयर टाइट डब्बे में भरकर फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमें केक की तैयारी में ही लगता है। बस जब भी आपका मन करे, थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकालिए, शुगर और मलाई को फटाफट फेंटिए और इस ड्राई मिक्स को डालिए। देखिए कितनी फटाफट से आपका बैटर रेडी हो जाएगा। आपने देखा, बातों बातों में हमने मलाई और शुगर को भी फेंट लिया। अब फटाफट से हम बाकी इंग्रेडिएंट्स, मैदा, मिल्क पाउडर, मिल्क, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, वनीला एसेंस और येलो कलर को ऐड करेंगे और इसे फटाफट फेंटेंगे।
फिर से मैं टाइमर सेट कर देती हूँ, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं फेंटना है। ये भी मैं ओनली 45 सेकेंड ही फेंट रही हूँ। मैं यहाँ टी टाइम केक बना रही हूँ, तो आप इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे बच्चे केक में टूटी फ्रूटी नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाली है। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बार बार छानने में अपना टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। मैं बता दूं कि ये केक हमारी प्यारी नीलू दीदी ने सिखाया है, जिसे हम ऐसे झटपट बनाते हैं जैसे कोई सब्जी भाजी बना रहे हों। आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बकबक कर रही हूँ। मैं बता दूं, मैंने यहाँ टाइमर लगाया था, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि हमें केक के बैटर को कितना फेंटना है। इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, बस थोड़ी सी बकबक कर ली। ये देखिए, हमारा बैटर रेडी हो गया। देखिए हमारा बैटर कितना स्मूथ एंड फ्लफी लग रहा है। बस अब इसे केक पॉट में ट्रांसफर कर देते हैं। केक पॉट आधा ही भरना है, बाकी बचे बैटर को हम छोटे पॉट में बेक कर लेंगे। 2-3 बार पॉट को टैप करेंगे। अब पूरी सावधानी से हमें प्री हीट किए बर्तन में बेक होने के लिए रखना है। अगर आप बेक करने के लिए कुकर का यूज कर रहे हैं, तो कुकर की सीटी को निकाल देंगे। अब इसे ढक के हमें लो फ्लेम पर लगभग 40-50 मिनट तक बेक करना है। पर सभी के बर्तन की थिकनेस, गैस की फ्लेम अलग अलग होती है, इसलिए आप इसे एक बार 35 मिनट के बाद जरूर चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। किसी भी स्टिक से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अभी स्टिक क्लियर नहीं निकली है, तो इसे हम और 5 मिनट बेक करेंगे। फिर से चेक करते हैं। ये देखिए, इस बार हमारी स्टिक एकदम क्लियर निकली। इसका मतलब है हमारा केक परफेक्ट बेक हो गया है। मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए थोड़ा कम ही बेक किया था, बट आप इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारा केक रेडी है। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना स्मूथ कट हो रहा है, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। वाओ, ये देखिए कितना स्पंजी जालीदार केक दिख रहा है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा जैसे ही डीमोल्ड करेंगे फटाफट से सब खा के खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर रही हूँ, लग रहा है ना एकदम यम्मी टेस्टी। तो दोस्तों, आपको मेरा टी टाइम झटपट केक टेस्ट कैसा लगा? अगर इस केक बनाने की प्रोसेस से आपका कीमती समय बचा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरा प्रोत्साहन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर वो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।